श्रीमान खुल गया कतरास के टीला टांड में महिला थाना। जानिए इसके पूरे जानकारी SHO मैडम की जुबानी। इस इंटरव्यू के माध्यम से आप जान सकते हैं यहाँ किस किस तरह की समस्याओं का निदान होगा। महिला उत्पीड़न से समस्याओं को लेकर अब धनबाद जाने की आवश्यकता नहीं, इसका निदान इसी थाने में हो जाएगा। टीला टांड में आपको पता है यहाँ खुल चुका है महिला थाना। अगर आपके आसपास या जहाँ तक एरिया इनका दिया गया है, खासकर बाघमारा अनुमंडल को लेकर, कोई भी महिलाओं को किसी तरह की परेशानी होती है तो बेहिचक यहाँ के SHO साहब ने ये आश्वस्त किया है कि आप यहाँ आ सकते हैं, अपने समस्याओं को दर्ज करवा सकते हैं। और अगर इन्होंने एक चीज़ और यहाँ के लोगों से अनुरोध किया है कि आसपास कृपया जमावड़ा ना करें। नमस्कार, मैं उमेश, आप सभी का व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव पेज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करूं। सबसे पहले आज आपको एक छोटी सी जानकारी हम शेयर करने जा रहे हैं। धनबाद जिले के अंतर्गत एक महिला थाना था और आज भी है, और लोगों की समस्याओं को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा कतरास के टीला टांड में महिला थाना का स्थापना किया गया। मुझे लगता है घरेलू विवाद और ये सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छा स्टेप लिया गया जो बहुत कम समय में ख़त्म हो सके। सबसे पहले तो मैं यहाँ के SHO सोनिका वर्मा जी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल। धन्यवाद मैडम। इसकी ज़रूरत कैसे लगी कि कतरास में एक महिला थाना होना चाहिए? पूरे धनबाद में सिर्फ एक ही महिला थाना था और केसेस का वर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता था। यहाँ धनबाद काफ़ी दूर हो जाता था यहाँ से, इसलिए हम लोग चाहते थे कि यहाँ पे कोई थाना अवेलेबल रहे ताकि यहाँ की महिलाओं को दिक्कत ना हो अपनी समस्याओं को बताने की। मैडम, ये एक्चुअली जानना है, ये महिला थाना और बाल संरक्षण, लोग ये जानना चाहते हैं ये किस प्रकार का यहाँ केसेस यहाँ पर दर्ज होगा? जनरली अपराध जो होता है वो कई अपराध बच्चों से भी रिलेटेड होता है और कई महिलाओं से रिलेटेड, उन सब अपराध के लिए ये महिला एवं बाल संरक्षण थाना है। अभी क्या है मैडम, केस का फ्लो कैसा है यहाँ पे? अभी नॉर्मल जो यहाँ विवाद आ रहा है वो पति पत्नी का ही विवाद है जिसमें मोस्टली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो काउंसलिंग के लिए मैडम आप लोग ही करती हैं या अलग से कोई NGOs वगैरह या टीम भी होता है? इसके लिए टीम का गठन हम लोग करेंगे क्योंकि केसेस अभी बहुत ज़्यादा यहाँ आ नहीं रहे हैं, बहुत लोगों तक ये संपर्क पहुँच नहीं पाया है कि यहाँ भी थाना अवेलेबल है। जैसे संपर्क होगा वैसे हम लोग जरूरत के हिसाब से जो चाहिए वो हर एक चीज़ अवेलेबल करें। एक आम आदमी कैसे जाने कि हमको यहाँ आना है, या मान लीजिए अगर बाघमारा से आना है, इलाहाबाद से आना है, तो वो क्या वहाँ के थाना बता देंगे कि यहाँ जाना है? ये दोनों तरीका से हो सकता है। कई कई पब्लिक जो ये जान गए हैं वो भी उनसे संपर्क करके ये बताया जा सकता है कि यहाँ एक महिला थाना है जहाँ आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, या फिर संबंधित थाना। मैडम, अपने सर्विस और सेवा में आप हैं तो बहुत तरह की समस्याएं देखते होंगे महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, क्या कहेंगे समाज के लोगों को आप? बस हम लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं खुल करके हमारे सामने आए और किसी भी समस्या को वो खुल करके बात करें ताकि हम हर संभव समाधान हर एक समस्या का कर सकें। सोशल पुलिसिंग एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में है। आम आदमी जब भी एक वर्दी देखता है, चाहे वो महिला के रूप में देखे या पुरुष के रूप में, एक डर उसके अंदर होता है। क्या और कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोगों को कि लोग यहाँ बेहिचक आए? मैडम, क्योंकि महिलाओं को अपनी समस्या बताने के लिए महिला पे ज़्यादा विश्वास होता है कि अगर हम महिला हैं तो मेरी समस्या ज़्यादा महिला ही सुन सकती है, तो ये एक विश्वास है जिसके बदौलत महिलाएं महिला ऑफिसर को ही ढूंढना पसंद करती है ताकि वो खुल करके अपनी सारी बेझिझक समस्याओं को बता सकें। कतरास में मुझे लगता है तकरीबन 10 से 15 दिन मैडम हुआ है आज जिस इंटरव्यू को हम कंडक्ट कर रहे हैं, इस 10 से 15 दिन के अंदर कैसे केसेस मैडम आए अत्यधिक? यहाँ कुछ ज़्यादा केसेस तो अभी तक आए नहीं हैं, कुछ तो जानकारी का अभाव है कि लोगों को पता नहीं चल पाया अभी तक कि यहाँ एक महिला थाना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों से संपर्क हो सके, संपर्क करके हम लोग ये जानकारी लोगों को दें। और मोस्टली यहाँ अभी जो केसेस आ रहे हैं वो पति पत्नी का ही विवाद है। आज के आपाधापी युग में 21वीं शताब्दी में कहाँ परेशानी लग रही है कि लोग अक्सर देखा जाता है कि एक कपल लाइफ या कंजुगल लाइफ में डिस्टर्बेंस है? मेनली अंडरस्टैंडिंग की समस्या होती है, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं कि एक नई लड़की अगर किसी के घर में शिफ्ट हुई है, गई है विवाह करके, तो उसको उसकी क्या ज़रूरत है। या फिर लड़की को भी ये समझना रहता है कि हम एक नए परिवार में एडजस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या फेस करना पड़ेगा, कहाँ मैनेज करना पड़ेगा। ये सब समस्याएँ अगर दूर हो जाए और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए तो समझ लीजिए कि फिर इस तरह की कोई भी समस्याएँ। सोनिका मैडम सख्त हैं या लोगों के लिए लगता है कि एज़ पर सिचुएशन?
एज पर सिचुएशन है। मैडम मेरा एक निजी सवाल ये होगा, हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ आए दिन हर जाति समुदाय के लोग रह रहे हैं, वैसे में मुझे एक जानना है इंडिविजुअल, क्या अनेक वर्गों से लोग आते हैं या किसी एक खास वर्ग के लोग यहाँ पा रहे हैं? यहाँ अनेक वर्ग से लोग आ रहे हैं। अनेक राजनीतिक हस्तक्षेप फील किए क्या मैडम 10 से 15 दिनों में? नहीं किसी नहीं। सोनिका मैडम क्या संदेश देंगी समाज के लोगों को, इस थाना पे आने के पहले वो किस तरीके का बिहेव रखें और उनका सॉफ्ट स्किल क्या हो? यहाँ महिलाएं आए, दिन हो या रात हो, कभी भी हम लोग हर तरह की समस्याओं को समझेंगे और हर संभव आपकी मदद करेंगे। देखिए वो होता है कि भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आप किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का सहारा आपको हमेशा लेना पड़ता है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष। बात तथ्य की जब बात करेंगे तो कानूनी प्रावधान हर जगह पे हैं। बस मेरा एक ही निवेदन है आपसे, अगर आप किसी तरह से पीड़ित हैं, माता हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बहू हैं, तो यह थाना का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। यह सोनिका वर्मा मैडम जी ने इस चीज़ को आश्वस्त किया है कि यहाँ किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होगा। एक जो मैं करीब करीब सभी थानों में पूछता हूँ मैडम, भ्रष्टाचार और थाना कभी कभी लोगों के दिमाग में एक वर्ड बैठा हुआ है, कैसे आश्वस्त करेंगे मैडम इसको खुले मन से आप कहें? यहाँ भ्रष्टाचार जैसा कोई भी चीज़ नहीं होगा, हम हर संभव मदद करेंगे। मेरे पास कोई भी वर्ग की महिलाएं आ सकती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी वर्ग को देख करके उसका मदद करेंगे या तो फिर किसी वर्ग विशेष को लेकर के उसकी हेल्प करेंगे। हर वर्ग के लिए महिला सेम काम करेगा जो किसी को भी चाहिए। धन्यवाद मैडम, आपने इतनी जानकारी दी, मेरी कोशिश होगी कि लोगों तक इसको अधिक से अधिक पहुंचाने की मेरी एक छोटी सी प्रयास है। बस यही मेरा मैडम से अनुरोध होगा कि जिस तरीके से इन्होंने एक आश्वासन दिया है हमारे इस चैनल के माध्यम से, जो कि मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, आश्वस्त होकर बिल्कुल आएँ, आपको यहाँ न्याय मिलेगा।